सभी कबूतरबाज भाइयों को नमस्कार, राम राम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो भाइयों? जैसा कि सब जानते हैं कि 21 मार्च 2022 को उस्ताद यामीन और राजू खलीफा के बीच एक निशावरे कबूतरबाजी का हाथ लगा था, जिसमें 101 कंठीदार कबूतर निशावरे दिल्ली लाल किले से छोड़े जाने थे। वो हाथ आज पूरा हो गया है। कबूतर को पसोंडा से दिल्ली तक रास्ता दिखाने के लिए हमें सिर्फ एक ही वीडियो मिल पाई, जो ये है, जिसमें राजू खलीफा अपने कबूतर छोड़ रहे हैं। चल खोल दे, खोल दे, और जताओ आगे दे। ये वीडियो कल 16 नवंबर 2022 की है, जिसमें यामीन उस्ताद के 101 कंठीदार निशावरे कबूतर लाल किले से उड़ाए जा रहे हैं। बारह बजे अभी अपने फोन में देखे टाइम कितना रहा, 12 बज रहे पूरे इन कबूतरों में से 16 कबूतर अपने घर पसोंडा उस्ताद यामीन के घर पहुंच गए। ये वीडियो आज 17 नवंबर 2022 को राजू खलीफा के 101 निशावरे कंठीदार कबूतर लाल किले से छोड़ते हुए की है। भाई कबूतर छुट चुका है राजू उस्ताद का, ये देखो पूरा चिपक करता हुआ, ये कबूतर फट रहा है, वो भी लगेगा इंशाल्लाह। ये देखो छूटे भाई गाजियाबाद के कबूतर, ये भाई ये चल, ये भाई चलता हुआ कबूतर चल दिया है। ये हवा भी बस दो कबूतर ताल देते हुए नीचे नीचे, मगर आधा कबूतर चल जाओ उस्ताद। कल भी यही दो कबूतर ताल दे गए थे। चलेगा चलेगा कबूतर चलेगा, ये दम बना रहा है, चला चला, चलो चलो चल जाओ ऊपर। आज राजू खलीफा के 101 कबूतरों में से 45 कबूतर नियत समय में यानी 2 घंटे में अपने घर पहुंच गए और राजू खलीफा ने इस बाजी को अपने नाम कर लिया। शादाब भाई फरगनगर वालों ने दोनों
उस्ताद खलीफाओं का सम्मान किया, जो बहुत अच्छी बात है। राम राम भाइयों, इतिहास दोहराया दोनों भाइयों ने, राजू खलीफा ने और मोटे उस्ताद जी ने। उसी में भाइयों का स्वागत कर रहा हूँ, हार जीत अपनी जगह और जीत अपनी जगह। भाइयों दोनों भाइयों ने बड़े प्यार से और मान सम्मान के साथ, इज्जत रिस्पेक्ट के साथ दोनों भाइयों ने हाथ छोड़ा, मोटे उस्ताद जी ने और राजू खलीफा जी ने, और बहुत ईमानदारी के साथ। हार जीत अपने नसीब की, मुकद्दर की। दोनों भाइयों ने इतिहास रचा है, इतिहास दोहराया है। बिल्कुल बढ़िया, इसको जो मान सम्मान कर रहे हैं भैया, मोटा भाई फरूख नगर से और शादाब भाई फरूख नगर से। बहुत बढ़िया, भविष्य में आने वाली सभी वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।